लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा विगत 4 दिन पूर्व आयोजित लेखपाल की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आयोग के अति गोपन अनुभाग में नियुक्त अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अपने कार्यालय से प्रश्न पत्र लीक किया और अपनी पत्नी ऋतु के साथ मिलकर लिंक प्रश्न पत्र राज्यपाल और संजीव को उपलब्ध कराया, जिसके एवज में उन्हें नगद राशि प्राप्त हुई। तो प्रश्न पत्र लेने के बाद संजीव तथा राज्यपाल ने राजकुमार व अन्य के माध्यम से कई प्रश्न पत्रों को कई अभ्यर्थियों में बांटकर उनको बिहारीगढ़ के पास स्थित माया अरुण रिसोर्ट व अन्य स्थानों में एक साथ पढ़ाया। आगे एसटीएफ एसपी ने बताया कि जांच पड़ताल के आधार पर अभी तक 35 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र पाने की सूचना मिली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आउट प्रश्न पत्र की प्रतियां व प्रश्न पत्र लिंक कर अवैध रूप से कमाए गए 22,50,000 रुपये अभियुक्त संजीव चतुर्वेदी से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व में UKSS SSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाए जाने पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पेपर लीक करने वाले माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें निश्चित रूप से जो पेपर लोग हैं ये अलग अलग केंद्रों के पेपर लीक बिल्कुल परीक्षा केंद्र एक पर्टिकुलर परीक्षा केंद्र से संबंधित नहीं है। अच्छा, तो हाँ पहले ही पेपर लीक हुआ है तो उसमें अलग अलग केंद्रों के होंगे, बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन में डिटेल आ जाएगी कि किस सेंटर से कितने गए। देखिए, इनको अन्य अलग अलग क्षेत्रों में से गिरफ्तार किया गया है, हरिद्वार में जहाँ जहाँ के निवासी हैं। और इसमें जो अभी क्योंकि टीम्स हमारी बाहर हैं, लगातार बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। जो अनुभाग अधिकारी है संजीव चतुर्वेदी, उसके अभिरक्षा से 22.5 लाख रुपए अभी तक हमने बरामद किए हैं। सर, जो पहला ये गैंग पकड़ा गया,